दोस्तों स्कैम 1992 की सीरीज के अंदर भी दो कैटेगरी के ट्रेडर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक ट्रेडर तो वो जो मार्केट के अंदर मार्केट को ऊपर ले जाने का काम करते हैं। सेकंड दोस्तों वो लोग होते हैं जो मार्केट में नीचे गिराने का काम करते हैं, जिनको शॉर्ट सेलर कहते हैं। स्कैम 1992 सीरीज के अंदर दो कैटेगरी के ट्रेडर्स हमें देखने को मिलते हैं, आप इन्वेस्टर कह सकते हैं। एक है हर्षद मेहता, जो मार्केट के अंदर बिग बुल के नाम से जाने जाते हैं, जो मार्केट को बुलिश करने का काम करते हैं, यानी जैसे तैसे उन्होंने पैसा इकट्ठा करके मार्केट के अंदर लगाया और मार्केट को ऊपर पहुंचाया। दूसरे तरीके के ट्रेडर दोस्तों वो लोग हैं जो मार्केट के अंदर गिरने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, यानी मार्केट के अंदर बेचते हैं, सेल करते हैं, उसके बाद पैसा कमाते हैं, जिनको हम शॉर्ट सेलर कहते हैं। तो इन दो कैटेगरी के अंदर से आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो, क्या आपने डिसाइड करा है? और अगर आपने डिसाइड नहीं करा है तो ये पैसा बनाने में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अगर आप इसको डिसाइड कर ले आज की वीडियो देखने के बाद, तो आपका इंट्राडे में पैसा बनाना या ट्रेडिंग में पैसा बनाना बड़ा सिंपल और बहुत आसान हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं ये समझने में कि आपको कौन सी कैटेगरी में रहना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और किस तरीके से आपको अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। बात कर लेते हैं सबसे पहले बिग बुल की, यानी अगर आप मार्केट के अंदर बुलिश है, इंट्राडे में कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किस तरीके से मार्केट को देख सकते हैं और किस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए मार्केट के अंदर हमेशा क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर बढ़ता है तो आप देखिएगा अवूमन क्या होता है कि मार्केट ऊपर बढ़ता है धीरे से। आप अगर यहां पर देखेंगे, अगर मार्केट के अंदर आप कोई बैट लगा रहे हैं, जैसे कि यहाँ देखें मार्केट धीरे धीरे ऊपर बढ़ा, यहाँ देखिए मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, यहाँ थोड़ा सा फास्ट गया लेकिन ऐसे रेयर होते हैं चांस, और यहाँ देखिए धीरे धीरे कितनी कैंडल्स लगी मार्केट को ऊपर बढ़ने में। ठीक अगर आप इसके अगेंस्ट देखेंगे तो जितनी कैंडल्स यहाँ बढ़ने में लगी उतनी कैंडल तीन कैंडल्स ने पूरी मार्केट को गिरा दिया। ठीक इसी तरीके से दो कैंडल्स ने पूरे रुझान को गिरा दिया, इसी तरीके से तीन कैंडल्स ने पूरे रुझान को नीचे की तरफ ले आया। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि जब हम बुलिश की बात कर रहे हैं तो बुलिश मार्केट के अंदर होता अवूमन क्या है कि वो धीरे 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 करके बढ़ती है। लेकिन ठीक इसके अगेंस्ट में अगर हम शॉर्ट सेलिंग की बात करें, जो शॉर्ट सेलर है उनको एक एडवांटेज क्या रहता है कि जब मार्केट गिरता है तो तेजी से नीचे गिर जाता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है, जब मार्केट नीचे गिरता है तो तेजी से क्यों गिर जाता है? उसके कुछ वेरियस आपको रीजंस बता रहा हूँ, उन रीजंस पे नजर डालेगा आपको समझ में आएगा कि ऐसा एग्जैक्टली होता क्यों है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप इस पर थोड़ा सा नजर डालिएगा आपको पता लगेगा। अब देखिए होता क्या है, मार्केट में मान लेते हैं यहाँ से सेलिंग आई, ठीक है, इस लेवल से मार्केट के अंदर सेलिंग आई है, ठीक है, और यहाँ से लोगों ने बाइंग स्टार्ट करी थी, यहां से लोगों ने बाय स्टार्ट करा था। तो यहां से लेकर यहां तक देखिए, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इसको खरीदा गया, बाय किया गया। अगर मार्केट के अंदर कोई सेलिंग प्रेशर आता है तो क्या होगा, जिन्होंने यहां पर बाय करा है वो सबसे पहले अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना यहां शुरू कर देते हैं। तो पहला तो यहां पर यही पैनिक क्रिएट होता है, जिन्होंने नीचे की तरफ बाय करा है वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ चले जाते हैं, प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो में पैनिक ये हुआ। सेकंड अगर आप देखेंगे जिन्होंने यहां पर आसपास में बाय करा था, अब इनको क्या है, इनको थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, तो ये कोशिश करेंगे अपने थोड़े बहुत लॉस के अंदर बाहर निकल जाए, ठीक है। अब इसके बाद दो हमारे पास पैनिक आ गए, पहला तो जिन्होंने नीचे बाय करा था प्रॉफिट बुकिंग, जिन्होंने आसपास बाय करा है वो भी थोड़ा सा लॉस लेकर के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तीसरा यहां पर क्या होता है, मार्केट के अंदर वो लोग एंटर हो जाते हैं जो शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, वो बेचना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर एक एंट्री स्टार्ट होती है शॉर्ट सेलिंग की, शॉर्ट सेलिंग वाले एंटर होना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जिन लोगों ने बाय करा था और यहाँ पर जिन लोगों ने बाय करा था, इनमें से सारे लोग अभी बाहर नहीं निकले हैं, इनमें से बहुत सारे लोग अभी ऐसे बैठे हुए हैं जो वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा तो हम बेचेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, मार्केट इस तरीके से नीचे गिरता ही चले जाता है, बढ़ता ही नहीं है, उस सिनेरियो में क्या होता है, इनमें पैनिक क्रिएट होता है, जिनकी बाइंग पोजीशंस बच गई है वो पैनिक करना शुरू करते हैं। तो क्या होता है, मार्केट गिरा, कम पैनिक आया, थोड़ा और गिरा, और पैनिक आया, थोड़ा और गिरा, और पैनिक आया। इसी तरीके से दोस्तों मार्केट कट-कट करके फटाफट नीचे आ जाता है और मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर आपको इंस्टेंट देखने को मिलता है, लेकिन ये पैनिक आपको बाइंग की तरफ देखने को नहीं मिलता। उसका रीजन यही है, उसका रीजन मैं बता रहा हूं क्या है। अब यहां पर देखिए,
जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग करी, ठीक है, शॉर्ट सेलर का मेन एडवांटेज क्या है, मार्केट एकदम नीचे गिर गया तो एकदम नीचे गिर गया तो उसके पास प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम आ गया, ठीक है, वो प्रॉफिट बुकिंग अपनी जल्दी करके बाहर निकल सकता है। तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में बायर्स और सेलर्स आपस में लड़ रहे हैं, धीरे धीरे करके बायर्स जीत गए और बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर के आ गए। सेलर्स जो है वो यहीं कहीं बाहर निकल गए, वो बहुत ज्यादा वेट नहीं कर रहे। बहुत ज्यादा वेट किसको करना पड़ता है, बायर्स को करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि टारगेट जल्दी नहीं आते। सेलर्स के तो जल्दी आ जाते हैं, मार्केट अपने न्यूट्रल पॉइंट पर आ जाता है, लेकिन सेलर्स के टारगेट जल्दी आ गए, बायर्स के नहीं आए। तो इस वजह से मार्केट के अंदर जब बाइंग आनी स्टार्ट होती है, ऊपर आना स्टार्ट होता है, तो इतने ज्यादा सेलर्स पैनिक में नहीं होते, वो ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल चुके होते हैं। और जब मार्केट के अंदर बाइंग चल रही होती है तो बहुत सारे लोग वेट एंड वॉच कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं मार्केट जब ऊपर जाएगा धीरे धीरे एंटर करेंगे, तो वो धीरे 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 करके मार्केट के अंदर एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये रीजन है कि जब बाइंग मार्केट के अंदर हो रही होती है तो उस कंडीशंस के अंदर मार्केट धीरे बढ़ता है, और जब सेलिंग आ रही होती है तो मार्केट तेजी से नीचे गिरता है, क्योंकि एक पैनिक कहीं ना कहीं क्रिएट होता है। तो अब आपको डिसाइड करना है आप कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। आप बुलिश रहना चाहते हैं रह सकते हैं, आप बेरिश रहना चाहते हैं रह सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन जो भी आप करें आप एक कैटेगरी में होकर के करें। अब इसमें एक कैटेगरी में होने का बेनिफिट क्या है, वो बेनिफिट मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट में देखिए कई बार हम करते क्या है, मैं रीजन बताता हूँ कई बार हम क्या करते हैं। जब मार्केट साइडवेज होता है तो हमें एक बार लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, ठीक है। अब मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरा लेकिन वापस ऊपर चला गया, तो शायद आप स्टॉप लॉस लेकर के बाहर हो जाओगे, फिर आप यहाँ कहीं सोचोगे मार्केट ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। आप फिर वापस ऊपर का आपने ट्रेड लिया, फिर वापस मार्केट नीचे आ गया, फिर आप सोचोगे वापस मार्केट नीचे गिरेगा, वापस मार्केट नीचे थोड़ा सा गिरा फिर वापस ऊपर आ गया। तो अगर आप इस पूरे दिन में देखेंगे तो वेरियस टाइम आपको स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, और कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मार्केट के अंदर पैसा आपका नहीं बनने वाला। तो अगर आप बाइंग में भी बैठे हैं और आप अगर आप सेलिंग में भी बैठे हैं, आप बुल भी है और आप शॉर्ट सेलर भी है, अगर आप दोनों हैं तो दोनों स्टॉप लॉस आपके चले जाएंगे, मार्केट आपको पैसा नहीं बनाकर देगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन अगर यहां पर सिर्फ आप शॉर्ट सेलर होते तो एक सेलिंग आप यहां करते, दो स्टॉप लॉस लग गए, एक सेलिंग यहां करते, यहां थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाता तो इतना नुकसान नहीं होता, कवर अप हो जाता। तो आपको यह डिसाइड करना है कि आप या तो शॉर्ट सेलिंग ही करें या आप बुलिश ही रहे। मार्केट के अंदर आप एक कैटेगरी चुनेंगे तो आपकी एक्यूरेसी के अंदर काफी इंपैक्ट आ सकता है और आप थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो यहां पर एक कैटेगरी को चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो स्पेशली मैं दोस्तों आपको है ना एक वीडियो दे रहा हूँ, उस वीडियो को आप देखेंगे तो बहुत क्लैरिटी से समझ पाएंगे। बाकी इस वीडियो के अंदर भी मैं आइडिया दे रहा हूँ, अगर इंट्राडे में अगर आपको ये जज करना है कि कहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, कहाँ पर आप बुलिश रह सकते हैं, तो आई बटन में वीडियो है, आप ध्यान दीजिएगा और उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करा है। बाकी इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। देखिए मार्केट में क्या करना है आपको, आपको नोट करना है पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो। तो अगर मैं देखूँ ये पिछले दिन का लो है, ये देखिए ये हाई है पिछले दिन का, ये मार्केट में पिछले दिन का लो है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होती है तो आपको यहाँ देखना है कि क्या कोई वीक कैंडल आपको दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ले रहा हूँ तो 15 मिनट में आप ये देखिए कि एक रेड कैंडल जिसकी क्लोजिंग लो के आसपास हो उस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो वहां पर आप ट्रेड डाल सकते हैं। इस कैंडल का टॉप आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और अगर आपको स्टॉप लॉस कम रखना है तो जिस कैंडल ने तोड़ा है उसका भी हाई अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस अगर बड़ा बन रहा है तो इस तरीके से स्टॉप लॉस रख करके इस ट्रेड को आप प्ले कर सकते हैं। टारगेट आप 1:1.5 या 2 गुना रख सकते हैं, इंट्राडे के लिए सफिशिएंट रहेगा, उससे ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करिएगा। हालांकि ट्रेल आप कर सकते हैं लेकिन इनिशियल बेसिस पे आप 1.5 यानी जितना आपका लॉस हो रहा है उसका 1.5 गुना या 2 गुना जितना आपका स्टॉप लॉस है तो उसके हिसाब से रखेंगे तो यहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहां देखिए ये हाई के आसपास आ गया था, अगर मार्केट को ऊपर जाना था यहां से तो यहां पर बुलिश कैंडल बनती और बनते बनते मार्केट ऊपर जाता, लेकिन अगर मार्केट यहां पर वीकनेस दिखा रहा है तो यहां पर आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। एक शॉर्ट सेलिंग का आपका एरिया ये बनता है, दूसरा आपका शॉर्ट सेलिंग का एरिया बनता है लो के आसपास, लेकिन लो के आसपास कब बनेगा, जब मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ हाई को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा हो या लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा हो तब जाकर के आप शॉर्ट सेलिंग के सिनेरियो पे जा सकते हैं। तो यहां पर देखिए आपको बहुत सारे एग्जांपल्स में दिखा दूंगा कि मार्केट यहां पर देखिए
मार्केट यहाँ लो के आसपास है, लो के आसपास देखिए मार्केट को नीचे जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है नीचे चले जाए लेकिन यहाँ आपको एक दो बार स्टॉप लॉसेस लगेंगे, नॉट टू वरी, मार्केट के अंदर स्टॉप लॉसेस लगना नेसेसरी है। अगर आप 50% 40% भी एक्यूरेसी लेकर आएंगे, टारगेट अगर आपका डबल है तो भी आप मार्केट में पैसा बना जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए पिछले दिन का लो क्या है, पिछले दिन का लो ये है, पिछले दिन का हाई ये है, मार्केट ने पिछले दिन के लो को देखे यहाँ कहीं ब्रेक कर दिया और बहुत तेजी से मार्केट नीचे गिर गया। जब बहुत तेजी से मार्केट यहाँ नीचे गिर गया आपका पैसा बन जाता, ठीक है। मैंने बोला या तो लो ब्रेक कर रहा हो या हाई ऐसे ब्रेक कर रहा हो, अगर ये ऐसे ब्रेक कर रहा है तो आप शॉर्ट सेलिंग का सोचे। 15 मिनट की कैंडल चाहिए, थोड़ी सी कैंडल की क्लोजिंग अगर लो के आसपास है, लो और क्लोज आसपास ही है और प्लस उसका लो ब्रेक करती है नेक्स्ट कैंडल, तब जाकर के आप ट्रिगर कर सकते हैं, तब जाके सोच सकते हैं शॉर्ट सेलिंग के लिए। और अगर दोस्तों आप बुलिश साइड का कोई ट्रेड ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंट्राडे में पिछले दिन का हाई नोट कर लीजिए, हाई क्या है, पिछले दिन का लो नोट कर लीजिए, लो क्या है, ये देखिए मैंने हाई नोट कर लिया, ये मैंने लो नोट कर लिया। अब आपको कब ट्रेड लेना है, या तो पिछले दिन के लो से मार्केट ऐसे करके ऊपर क्रॉस कर रही हो या हाई को ऐसे करके क्रॉस कर रही हो, जब भी दो सिनेरियो मिलेंगे तब आपको ट्रेड लेना है, बीच में कहीं ट्रेड मत डालिएगा। तो यह देखिए अगले दिन ही मार्केट में एक बढ़िया कैंडल बनी थी, क्लोजिंग हाई के आसपास थी, मार्केट पूरे दिन ऊपर रहा और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ और आपका पैसा बन गया, राइट। इसी तरीके से बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे मार्केट में जो पिछले दिन का हाई ब्रेक करेगा और मार्केट ऊपर भागेगा। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए पिछले दिन का हाई, ये देखिए प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, पहली एक बेरिश कैंडल बनी थी, क्लोजिंग जो है लो के आसपास थी लेकिन इसका लो ब्रेक हुआ नहीं हुआ, हमारा ट्रिगर हुआ नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट कैंडल देखिए बुलिश बन गई, हाई भी ब्रेक हो गया, अंदाजा आपको मिल गया मार्केट यहाँ से बुलिश रह सकता है, यहाँ कहीं आप अपना टारगेट बुक करके बाहर निकल सकते थे, दैट्स इट। इसी तरीके से प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने एक इंडिकेटर भी डिजाइन करा था ताकि आपको प्राइस एक्शन के बेस पे विजुअल बहुत अच्छा हो जाए, समझ पाए कहाँ हाई आ रहा है कहाँ लो आ रहा है, उससे आप बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ काम कर सकते हैं। तो आई बटन में मैंने कहा एक वीडियो है, आप इसको देखेंगे तो ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और अच्छे से। तो आप कौन सी कैटेगरी में आप रहना पसंद कर रहे हैं अब आपको डिसाइड करना है, आप बुलिश रहना चाहते हैं या बेरिश रहना चाहते हैं, आप बायर है या शॉर्ट सेलर है। सेकंड थिंग दोस्तों यहां पर यह है कि जो भी आप है आप उसके ऊपर पूरी प्रैक्टिस करिए, आप डिसाइड कर लीजिए आप क्या रहना पसंद कर रहे हैं। और एक होमवर्क आपको दे रहा हूं, पिछले 3 महीने का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी या निफ्टी या कोई आपका स्टॉक जो आपका फेवरेट है जिसपे आप ट्रेड करना पसंद करते हैं, 3 महीने में देखिए अगर आप सिर्फ बुलिश का ट्रेड लेते तो कितनी बार आप ठीक थे, जो मैंने तरीका बताया उसमें कितना पैसा बनता या कितना पैसा आपका खोता, मैनुअली करना है आपको, मैनुअली देखिए। दूसरी चीज, अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते तो कितना पैसा बनता या कितना पैसा नुकसान में जाता, दोनों तरफ एक कॉपी लीजिए, नोट करिए कि इस तरफ सिर्फ मैंने बुलिश के ट्रेड लिए, इस तरफ सिर्फ मैंने बेरिश के ट्रेड लिए, तरीका जो मैंने बताया उस तरीकों को देख करके चार्ट को एनालाइज करिए, देखिए और आपको समझ में आएगा कि कहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और ये करने के बाद आपको फिर वर्चुअल ट्रेड करना है, पेपर ट्रेड करना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है कि रियलिटी में इन फ्यूचर कैसे काम कर रही है। जब आपको समझ में आए तो थोड़ा पैसा मार्केट में लगा करके आप धीरे धीरे ट्रेड करिए, ताकि आपका पैसा अगर खो भी जाए तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। जब चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए तो धीरे धीरे अपने पैसे को बढ़ाना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, अगर आप कोई ट्रेड लेते हो तो उस ट्रेड में आपका 1-2% से ज़्यादा पैसा नहीं जाना चाहिए स्टॉप लॉस के अंदर। अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे और मार्केट से धीरे धीरे पैसा कमा पाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए मार्केट में पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी पैसा बचाना है, पैसे से पैसा बनना है, पैसा ही नहीं बचेगा तो बनेगा क्या। तो ये चीज़ अगर आप फोकस करेंगे तो मार्केट में रियलिटी में पैसा बना पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।